शिक्षक सरस्वती पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि उसका पाठ नंबर 1 भाषा उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है और भाषा के अंदर जो है हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, खासतौर पर तो उसका लिखना, भाषा को कैसे लिखना है, दूसरी बात जो उसको उसका पढ़ना यानी उसको किस तरह से पढ़ना है, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं पाठ 1 भाषा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम सीखेंगे लैंग्वेज। एक चित्र है यहाँ पे, रीना का चित्र है। ठीक है, रीना के चित्र के द्वारा हम इसे समझे। यह चित्र रीना का, रीना को अंतरिक्ष द्वारा निर्वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया गया है। इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन थी उसमें इसे इनाम मिला है, गिफ्ट मिली है। प्रत्येक विद्यालय में इस प्रतियोगिता की सूचना पत्र द्वारा भेजी गई। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन थी वो लेटर के द्वारा सारे स्कूलों को भेजी गई। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की ओर से रीना ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जो रीना होती है उसको का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसमें जो पार्टिसिपेट हुई उसने पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों की सहायता से पक्ष तथा विपक्ष ने अपने विचार तैयार किए। लाइब्रेरी में गई और वहां से सारी बुक्स ने ली और उसे पढ़ी और फिर बाद में कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट की और उसने अपने सारे विचार तैयार किए। निश्चित दिवस तथा समय पर ने आयोजित विद्यालय में अपने विचार प्रकट किए। जिस दिन से बुलाई गई उनके कॉम्पिटिशन में गई और वहां जाकर उसने अपने जो भी बुक्स पढ़ी थी और जो भी विचार तैयार किए थे उनको वहां पर उसने प्रस्तुत किया। विचार प्रकट किए, श्रोता छात्रों ने उसके विचारों का श्रोता सुनने वाले छात्र या स्टूडेंट उन सब ने उसकी बातें सुनी। उसके धैर्य व सूझ बूझ से सौदाकरण उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। जिन जिन लोगों ने उसे प्रश्न किए उसके उसने सही बिल्कुल सही आंसर दिए, प्रश्न के उत्तर दिए। उसके विचारों से प्रभावित होकर निर्णय द्वारा उसे पुरस्कार प्रदान किया है। तो उसके इन विचारों को देखकर, उन विचारों को देखकर और उससे प्रभावित होकर जो जतीश थे निर्णय करने के हिंदी में जतीश उन्होंने उसे इनाम दिया। तो बच्चों ये बात पूरी रीना की, रीना ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और इसकी सूचना सारे स्कूलों को नोट लिख कर भेजी गई और वो कॉम्पिटिशन के लिए उसने लाइब्रेरी में गई, सारी बुक्स पढ़ी और फिर उसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ली और फिर बाद में उसने सामने वाले अपोजिशन के प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने उसके इन उत्तरों से प्रभावित होकर जिसने उसे इनाम दिया, उसे प्रश्न नंबर दिया। तो ये पूरी बात हमें समझाने के लिए बच्चों, ठीक है, बिना की बात ये यहाँ पे सेकंड चित्र में हमने देखा कि आयोजन विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन की सूचना लिखकर अन्य विद्यालयों को भेजी। अगले
चार साल की लड़की मानिया आए हुए ना अंबिका की तरह निकली
परिवार